आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद हिंदुस्तान लाइव, जहां आज आप शौच मुक्त घोषित हो चुके गांव की उस सच्चाई से रूबरू होंगे, जिसे देखकर एक और सरकारी कारनामों की पोल खुलती नजर आएगी, वहीं दूसरी ओर गांव की कड़वी सच्चाई को भी आप देख पाएंगे। कहानी है खरगोन जिले के गोगावा ब्लॉक के ग्राम देवली, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा 2016 में कागजों पर शौच मुक्त घोषित कर दिया गया, लेकिन आज भी यहाँ सैकड़ों लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। आजाद हिंदुस्तान लाइव की टीम ने इस गांव में जाकर यहाँ वास्तविकता को परखा तो जो कहानी नजर आई वह शासकीय सिस्टम की पोल खोती नजर आ रही है। देखिए आजाद हिंदुस्तान लाइव पर खरगोन से पूरी खबर। जमीनी हकीकत से कोसों दूर शौच मुक्त गाँव के हालात, आज भी सैकड़ों परिवार खुले में शौच के लिए जाने को मजबूर। ये दो तस्वीरें सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2016 में खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुके ग्राम देवली की है, जो कि जनपद गोगांव जिला खरगोन में आता है। ग्राम पंचायत द्वारा शौच मुक्त गांव की स्थिति स्वच्छता मिशन और ODF की पोल खोलकर रख रहा है। जब ग्राम देवली को ODF घोषित किया गया था, तब ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया था, क्योंकि उस समय ग्राम में बड़ी मुश्किल से 20 से 25 शौचालय निर्माणाधीन थे। बावजूद इसके चुपके चुपके तरीके से कागजों पर ODF किया गया, उसका परिणाम आज भी सैकड़ों परिवार खुले में शौच करते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा 60 शौचालय का निर्माण किया गया था, जबकि जनपद द्वारा जांच में 48 शौचालय उपयोग लायक नहीं है। ग्राम कोट खुर्द के गजानंद कलमे द्वारा बताया गया कि कोट खुर्द में 150 से 200 परिवार आज भी खुले में शौच करते हैं। ग्राम देवली की कड़वी बाई अपने पति उमदया निहाल को ऐसे ही रोज लकड़ी का डंडा पकड़कर शौच करवाने ले जाती है। उमदया फुआजी देख नहीं सकते, गोवर्धन उमराव, भगवान नवल, मनोहर ध्यान सिंह, कैलाश सीताराम आदि इनका कहना है कि हमारे घर शौचालय नहीं है, औरतें और बच्चे भी खुले में शौच करने को मजबूर है। ग्राम पंचायत एवं CM हेल्पलाइन पर बताया गया कि आपका सूची में नाम नहीं है। छोगालाल उम्र 65 साल लकवाग्रस्त है, बाहर शौच के लिए कैसे जाते हैं आप सोच सकते होंगे। PM आवास के अधिकतर हितग्राहियों की ये शौचालय नहीं है। दशरथ राठौर का कहना है कि ऐसे आवासों को पूर्णतः प्रमाण पत्र कैसे दिए गए। खरगोन से विनोद गोले की रिपोर्ट।